इन दिनों छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र बागेश्वर धाम पर हनुमान जन्मोत्सव और मानस सम्मेलन की धूम है। इस अवसर पर वृंदावन धाम से आए अंतर्राष्ट्रीय कथाव्यास पुंडरीक गोस्वामी यहां भक्तों को 3 दिवसीय हनुमत कथा से लाभान्वित कर रहे हैं। बागेश्वर धाम पहुंचे कथाव्यास पुंडरीक गोस्वामी ने इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए बागेश्वर धाम से जुड़े विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने इस स्थान को अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र बताते हुए बागेश्वर धाम की महिमा बताई। बहुत ही आनंद है, देखो कैसी सुंदर बात है। हनुमान जी तो सब जगह व्याप्त हैं, हनुमत कथा कहीं भी आनंद देती है, पर मेरा ऐसा आनंद हो रहा है बागेश्वर धाम जैसा सिद्ध स्थान जो कि नवीन ऊर्जा से हनुमान जी की विश्व में व्याप्त हो रहा है और वहां हनुमान जी की कथा हनुमान जन्मोत्सव पे हो रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे माँ बालक के जन्मदिन पर बधाई करती है, उसके गुण गाती है, ऐसे प्रभु श्री राम मानो हनुमान जी के जन्म महोत्सव पे हनुमत चरित्र की एक कथा को बधाई रूप में दुनिया को बंटवा रहे, जिसमें दास को सौभाग्य मिला है कथा कहने का। अनेकों बार हमारे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज से कथा योजना बात कभी यह हो यहाँ हो 4-5 वर्ष से होती रही थी, पर इस बार हनुमान जन्म महोत्सव पे हनुमान जी ने सेवा दी, इससे आनंद की बात कोई नहीं हो सकती। और यहाँ की कथा हिंदू राष्ट्र को हिंदू मन को ऊर्जा देती है, जागृत करती है, प्रोत्साहित करती है, साथ के साथ में एक वैचारिक बुद्धिमत्ता शीतलता सौम्यता के साथ हनुमत चर्चा हनुमान जी को राम जी को प्रसन्नता देती है। बहुत सुंदर, ये तो बड़े बड़े संतों ने शुरू से संकल्प उठाए जो प्रसाद रूप में हमारे भैया धीरेन्द्र जी महाराज ने स्वीकार किए, और ये सॉल्यूशन वाले संकल्प हैं। अच्छी बात ये एक होते हैं कि केवल जगाने वाले संकल्प होते हैं जो केवल एक प्रकार से प्रोपेगेंडा की तरह होते हैं, पर ये वाले संकल्प अच्छे हैं। अगर एक परिवार एक गैया को अपने सदस्य मान लेगी तो निश्चित रूप से विश्व भर में गौ संरक्षण हो जाएगा। अगर आज भारतवर्ष में जितने करोड़ परिवार हैं उतनी गैया बच जाएंगी, साथ ही साथ कैंसर हॉस्पिटल ऐसे क्षेत्र में जहां चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वहां ऐसी स्थापना चिकित्सा को भी प्रेरणा देगी, मतलब समाधान देगी, और शिक्षा को भी प्रेरणा देगी। और निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर हिंदू राष्ट्र का प्रयास हो रहा, तो आज उसको वो आगे बढ़ा रहे, ये उन सब संतों का आशीर्वाद साथ में सम्मिलित हो रहा है, ये सबसे अच्छी बात।